खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इन्होंने कहा अधिकारियों से बात करें, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे जल्द भिजवा रहे हंड्रेड परसेंट षड्यंत्र। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव गिरफ्तार। पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव को न्यायालय में पेश करने के बाद भेजा जेल। झांसी में पेशी पर आए गैंगस्टर लेखराज यादव को छुड़ाने की साजिश का आरोप। आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी गरौठा के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव झांसी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच ही गए। इसके साथ ही उनके पुत्र दीपांकर उर्फ मून को घर जाने दिया है। दीप नारायण पर 10 दिन पहले झांसी कोर्ट में पेशी पर वापस कन्नौज लौट रहे गैंगस्टर लेखराज यादव को छुड़ाने की साजिश करने का आरोप है। अब तक इस मामले में दीप नारायण के साले ब्रजेंद्र यादव, ब्रजेंद्र के साले अनिल यादव उर्फ मम्मा, सतपुरा के अमित कुमार पुत्र प्रताप सिंह, टिकरी के जवाहरलाल यादव पुत्र घनश्याम, सियानी के सुरेंद्र पुत्र राम सिंह, सरोल के हरीश यादव पुत्र ब्रजभान, कोलावा के ऋतुराज पुत्र करण सिंह, मलखान शिवहरे, धीरेंद्र पाल, मुकेश कुमार समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि लेखराज प्रकरण में दीप नारायण यादव का नाम आने के बाद झांसी पुलिस ने रविवार देर रात उनके घर एवं मून सिटी पर छापा मारा था। दीप नारायण घर पर नहीं मिले थे। इनके बेटे मून यादव को पुलिस ने पूछताछ हेतु हिरासत में लिया था। इसके बाद दीप नारायण की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस द्वारा बेटे को हिरासत में लिए जाने के बाद दीप नारायण यादव पुलिस गिरफ्त में पहुंच गए। इसके बाद पूछताछ कर पुलिस ने बेटे मून को छोड़ दिया। बेटे के हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्व विधायक दीप नारायण पर दबाव था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को नवाबाद थाने ले गई। उनको थाने के लॉकअप में डाल दिया गया। वहां पर काफी संख्या में समर्थक भी पहुंच गए। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया। भारी पुलिस बल के साथ दीप नारायण को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय परिषद छावनी बना रहा। झांसी DIG जोगेंद्र कुमार ने बताया कि 16 सितंबर को गैंगस्टर लेखराज यादव को कन्नौज जेल से झांसी के SC/ST कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट गेट के पास समर्थकों ने लेखराज को छुड़ाने की कोशिश की, फिर रास्ते में पुलिस वाहन को स्कॉर्पियो ने कई बार ओवरटेक किया और एक बार स्कॉर्पियो को पुलिस वाहन के सामने आगे अड़ा दिया गया। डर के मारे कन्नौज पुलिस लेखराज को लेकर मौट थाने में घुस गई। इसके बाद वहां से रवाना हुई तो एट में लेखराज ने सिर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद कन्नौज पुलिस ने अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराया, फिर भारी पुलिस बल के साथ लेकर लेखराज यादव को कन्नौज ले जाया गया। पहले कन्नौज में केस दर्ज हुआ, इसके बाद नवाबाद में FIR हुई। पुलिस को सूचना मिली कि स्कॉर्पियो दीप नारायण सिंह यादव के साले मौठ नगर पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव के घर पर खड़ी है। पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने फायरिंग की और फरार हो गए। मौठ में 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था। कन्नौज और नवाबाद थाना में दर्ज अभियोग में दीप नारायण यादव वांछित थे। दीप नारायण समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दीप नारायण पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। 16/9/2022 को कचहरी झांसी में कन्नौज जेल से पुलिस अभिरक्षा में एक दुर्दांत अपराधी / सजायाफ्ता अपराधी लाया गया था, जिसका नाम है लेखराज यादव। उसकी पेशी थी, उस पर विभिन्न थानों पर 47 मुकदमे दर्ज है। यह कचहरी परिसर में आया, वहाँ 60-70 लोगों ने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और वहाँ पर उसको छुड़ाने की कोशिश करी। इसके बाद रास्ते में जब ये वापस जा रहा था लेखराज, तब एक गाड़ी UP 93 BR 1100 नंबर सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे लोगों ने इस पुलिस की गाड़ी को अवरुद्ध किया, उसका मार्ग रोकने का प्रयास किया, कई बार आगे और पीछे इस गाड़ी को किया और साथ ही इसको छुड़ाने का प्रयास किया। इसमें पुलिसकर्मियों को डराया और धमकाया, जो अभिरक्षा में अभियुक्त को लेके आ रहे थे। इस सजायाफ्ता अपराधी को छुड़ाने की, इन अपराधियों द्वारा जो UP 93 BR 1100 गाड़ी में बैठे थे, पूरी कोशिश की, हर तरह से कोशिश करी। कन्नौज पुलिस ने जैसे तैसे थाना मौठ, पहले थाना मौठ जनपद झांसी में और उसके बाद थाना 8 जालौन में अपनी जो बंदीवान था उसको ले जा करके बड़ी ही होशियारी से बंदी सहित वहाँ पर बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित करी और बंदी को भागने से बचाया। इस संबंध में अब तक झांसी पुलिस द्वारा कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इन अभियुक्तों में लंबा इनका आपराधिक इतिहास है और इस घटना में जितने भी अपराधी शामिल हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में साजिश में
आज दीपनारायण यादव को हिरासत में लिया गया है। इनका भी लंबा आपराधिक इतिहास है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना में प्रयुक्त गाड़ी UP 93 BR 1100 अनिल यादव की है और यह गिरफ्तार हो चुका है। अनिल यादव दीपनारायण यादव के साले का साला है, जिसने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और मौके पर रह कर के इस घटना को कारित किया। इसमें जितने भी अभियुक्त हैं सब जेल भेजे जाएंगे और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यादव की साजिश थी कि लेखराज यादव जो दुर्दांत अपराधी है उसको पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया जाए। दीपनारायण का खुद का आप जानते हैं कि लंबा आपराधिक इतिहास है, जिनके विरुद्ध विभिन्न जनपद के विभिन्न थानों में कई सालों से 40 से ऊपर अभियोग दर्ज है और अभियोग दर्ज है। इसमें पुलिस को आई विटनेस मिले हैं, CCTV सर्वलांश की साक्ष्य है हमारे पास, सर्वलांश के साक्ष्य और CCTV के साक्ष्य है हमारे पास इस घटना को कारित करते हुए और हमारी पुलिस की गाड़ी को रोकते हुए और पुलिस की गाड़ी को अवरुद्ध करते हुए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है इसके, और सर्वलांश के माध्यम से भी अभियुक्तों से दीपनारायण की बात होना प्रमाणित है। हाँ, दीपनारायण यादव उसमें वांछित है, उसमें जेल जा रहे हैं की जो गिरफ्तारी की बाद अब इसके बाद बात करें। सर, दीपनारायण सिंह यादव ने पुलिस गिरफ्त में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दीपनारायण सिंह यादव ने बताया कि उन्हें लेखराज प्रकरण में साजिश के तहत फंसाया गया है। इन्होंने कहा अधिकारियों से बात करें, किसी से बात नहीं करें और मुझे जेल भिजवा पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।